मणिपुर जातीय हिंसा की आग में बुरी तरह से झुलस गया है। केंद्र सरकार शांति बहाली में जुटा हुआ है। मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए अमित शाह ने आज इम्फाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा की जांच होगी, इसके लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा। हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के नेतृत्व में ये जांच होगी। सीबीआई भी हिंसा के 6 केसों की जांच करेगी। कोई दंगाई नहीं बच पाएगी। भाजपा सरकार में मणिपुर कर्फ्यू और हिंसा मुक्त था। मणिपुर में अभी ढेर सारी एजेंसियां सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रही हैं। उनके बीच में बेहतर समन्वय के लिए एडवाइजर श्री कुलदीप सिंह जी, जो कि रिटायर्ड डीजी सीआरपीएफ हैं, उनकी अध्यक्षता में इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था आज से ही हम रचना में लाएंगे, जो सभी एजेंसियों के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, पक्षपात विहीन कोऑर्डिनेशन के लिए इनकी अध्यक्षता में काम होगा। जितने भी केस रजिस्टर किए गए हैं, इसमें से 5 केस चयनित किए गए हैं और 1 केस इन जनरल कॉन्स्पिरसी का रजिस्टर्ड करकर ये 6 केसों की जांच सीबीआई का विशेष दल करेगा, जो भारत सरकार के तत्वाधान में किया जाएगा। और मैं सभी मणिपुर वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी पक्षपात और भेदभाव के बगैर हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले समय में कभी हिंसा न हो, इस प्रकार की एक न्यूट्रल जांच और दोषियों को दंडित करने की कार्यवाही की जाएगी। बुधवार रात को उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान मैंने ढेर सारे इधर और साइड के लोगों से मुलाकात की है। मैंने ये 3 दिनों में अस्थाई कैंपों का दौरा किया है। ये 3 दिनों के अंदर मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में, इम्फाल, मोरे, चूराचांदपुर, कॉम्पोक्वी, सभी जगह जाकर नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल और आहत लोगों से चर्चा करने का प्रयास किया है। राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी मीटिंग की है। महिला संगठनों के साथ भी दोनों ओर मेरी मीटिंग हुई है। मतई समुदाय के लगभग 22 सीएसओ को मैं मिल चुका हूं। इसी प्रकार से कुकी समुदाय के भी 25 से ज्यादा सीएसओ के साथ मेरी मीटिंग हुई है। अमित शाह ने लिया जायजा। इस दौरान मैंने ढेर सारे इधर और साइड के लोगों से मुलाकात की है। मैंने ये 3 दिनों में अस्थाई कैंपों का दौरा किया है। ये 3 दिनों के अंदर मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में, इम्फाल, मोरे, चूराचांदपुर, कॉम्पोक्वी, सभी जगह जाकर नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल और आहत लोगों से चर्चा करने का प्रयास किया है। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।